बार चार बोरा तुम कूड़ा उधर डाल चुके हो, मजाक समझ के रखा था इसको, मजाक समझ के रखा है। खुद हम नया नया कौन मुंशी कौन है, मुंशी के पास कौन है, कौन है, लेके चलिए करते हैं, नहीं इतना बताइए बस। गलती से डाल दिया होगा, गलती से नहीं डाल रहे आप, फिर कह रहे गलती से नहीं पड़ता कूड़ा, मैं रो रहा हूँ वहाँ चार दिन से, मैं देख महाराज महाराज कर रहे, महाराज करने से काम चलेगा यार, तुम मजाक बना दियो हमारा, तुम बोलिए यहाँ का कूड़ा, ये सारा कूड़ा उधर ले जाकर डालते हैं रोड पर, कौन जवाब देगा इसका। नहीं वो गलती से डाल दिया, गलती से नहीं डाला गया, चार घंटे से मैं देख रहा हूँ वही सारा कूड़ा पड़ रहा है, डाल दो। और इस देश की नगर निगम निकम्मी है, बदमाश है नगर निगम बना फेंकने के लिए, कौन बोलता है, तो कौन बोला है जरा बताओ इसको, हाँ कौन मुंशी है, मुंशी से मिलाओ, अच्छा चलिएगा तब ना, दोनों रेलवे का कूड़ा उधर सड़क पर डालेगा, कौन बोला आपको, तो चलिए हम ही थोड़ी डाल रहे हैं, तो कौन डाला है ये बताओ, आइए हाँ, ये कौन दिया अधिकार तुमको या कि इसका कूड़ा रेलवे का और उस पर सड़क पर डाल दो, कौन दिया है अधिकार, साला इस देश को मजाक समझ के रखा तुम लोगों ने, चार दिन से मैं देख रहा हूँ इधर का कूड़ा उधर, उधर का कूड़ा इधर, रेलवे का कूड़ा सड़क पर डाल रहे हो, कहाँ मुंशी, चलो मिलाओ मुंशी से, चलिए कौन डालता है, चलो मुंशी से मिलाओ, कौन दिया है कूड़ा, सड़क सड़क यहाँ का कूड़ा तुम सड़क पर डालोगे, उधर सड़क पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कौन दिया है तुमको अधिकार डालने के लिए, कौन दिया है, आप ही डालते हुए मिले, आप बताइए ना कौन दिया है, डाला देखिए ना, कौन डाल रहा है, कौन डाला है कूड़ा, कौन डाला है बताओ जरा, चलो आप पूछते हैं, चार दो मिनट के अंदर चार बार चार बोरा तुम कूड़ा उधर डाल चुके हो, मजाक समझ के रखा था इसको, मजाक समझ के रखा है, साइड में रहते हैं, चलिए चलिए दिखाइए उनको, कौन डाला है कूड़ा, हमको बोल रहे हैं, रेलवे का कूड़ा तुम उधर डालोगे, वो देश नहीं है क्या तुम्हारा, उसको कूड़ा घर समझ रखा है बाउंड्री को, सफाई मत कीजिए सफाई, ऐसे सफाई में आग लग जाए, रेलवे को साफ करने के लिए उधर नगर निगम का कूड़ा उसमें डाल रहे हो, अरे एक अस्थाई जगह डालो जहाँ पर सुबह शाम लेकर गाड़ी आए और वहाँ पर कूड़े का अंबार लगा देते तुम लोग, अरे आप मिलो ना पकड़ते हुए हमको, फेंकते हुए मत डालिए, उनके सर पर डाल दीजिए, चलिए मुंशी साहब से मिलवाइए, कौन है मुंशी, खुद हम नया नया, कौन मुंशी कौन है, मुंशी के पास कौन है, कौन है, लेके चलिए, मजाक बना के रख दियो तुम लोग सब, आप दिखाइए आपको कौन बोला है कूड़ा डालने के लिए, हमको दिखाइए, मजाक बना के रख दियो तुम देश को पूरा, अकेले ही हम ही देख रहे हैं, आप फेंक रहे हो मेरे, आपको पकड़ा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप अकेले फेंक रहे हो, लेकिन कम से कम कूड़ा तो ना फेंको, कौन बोला तुमको कूड़ा फेंकने के लिए, रेलवे को तुम साफ करने के लिए सड़क बर्बाद कर रहे हो, बेवकूफ समझ के रखा है पूरे देश को तुम लोगों ने, यहाँ कोई थूक देगा तो 500 रुपए, और तुम वहां जाके कूड़ा डालोगे तो कौन लगाएगा तुम्हारे ऊपर फाइन, हमको मुंशी साहब से मिलना है, ठीक है, जो आपको कूड़ा फेंकने के लिए वहाँ बोला हमको मिलवाइए चल के उससे, जो आपको बोला है चलिए, पता है उधर आम आदमी कितना रहता है, उधर टैक्सी स्टैंड है, तुम लोग सारा कूड़ा वहीं पर जाके फेंक देते हो, लेकिन ये भी लोग तो जरा जज़्बे करता है, तो हम ही लोग कौन लोग हैं, कौन बोला वहाँ कूड़ा डालने के लिए, महाराज महाराज कर रहे, महाराज करने से काम चलेगा यार, तुम मजाक बना दियो हमारा, तुम बोलिएगा तो चलिए मुंशी साहब से मिलवाइए, कौन बोला है कूड़ा डालने के लिए, साला रेलवे में रोज को पैसा आता है, दो दो चार चार पांच पांच लाख रुपए सफाई करने के लिए, और यहाँ का कूड़ा निकाल के सड़क पर डाल दो, मजाक बना के रख देते हो तुम लोग देश को, स्वच्छता के नाम पर मजाक बनाए हो, कहा है मुंशी साहब, यहाँ मुंशी साहब रेलवे स्टेशन पे आप प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, सारा कूड़ा ये जो जितना भी है स्टॉल लगा सारा कूड़ा जाके वहीं फेंक देते हो, अभी निकालोगे आप वहीं फेंक दोगे, अरे एक रेलवे को इतना पैसा है, फंड अलॉट होता है, एक स्थाई कूड़ा घर बनाइए आप लोग, देखिए वहाँ पर बैठे दोनों कहाँ पे, चलिए आप सफाई कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ क्यों फेंकते हो ये सवाल, और कौन फेंकने के लिए बोलता है, ये आप अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत गर्व होता है कि कम से कम आप देश सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर कूड़ा डालने के लिए कौन अधिकार दिया हमको, ये बताइए मिलवाइए जरा, कौन है मुंशी साहब, चलिए मुंशी साहब से मिलवाइए, ये कूड़ा यहाँ का ईट उठा के उधर डाल दे, कहाँ है मुंशी साहब, यहाँ का कूड़ा सारा प्लेटफॉर्म का कूड़ा वहाँ पर क्यों डाला जाता है बाउंड्री उस पार, कौन जवाब देगा मुझे, आप देंगे,
यहाँ का कूड़ा, ये सारा कूड़ा उधर ले जाकर डालते हैं रोड पर, कौन जवाब देगा इसका? नहीं, वो गलती से डाल दिया। गलती से नहीं डाला गया, 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ वही सारा कूड़ा पड़ रहा है। पूरे देश को मजाक बना के रख दिया, रेलवे को साफ करने के लिए सड़क को बर्बाद कर दोगे आप लोग? आप लोगों के पास अस्थाई जगह नहीं है क्या? नहीं है, जगह है हम लोगों के पास। क्यों नहीं आप वहाँ डालते हैं कूड़ा? फिर आपके पास जगह, चलिए मुझको दिखाइए। हम लोग डालते हैं इधर। अरे भैया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं इस देश को स्वच्छ रखने के लिए। मोदी जी चिल्लाते हैं लेकिन हम ही लोग बर्बाद करेंगे तो कैसे देश बचेगा, आप बताइए। हम तमाशा लग रहे हैं आपको? 4 दिन से मैं देख रहा हूँ, जब से आ रहा आया हूँ, ये कूड़ा उठाकर उधर डाल देते हैं। क्रोध आ रहा है मुझको। भाई जाइए लोग, आप लोग जाइए यहाँ से। कोई नहीं आएगा यहाँ पर, मैं इनसे जवाब ले रहा हूँ। आप लोग जाइए यहाँ पर, और आप लोग भी अपने दायित्व का पालन करेंगे कि यहाँ कूड़ा नहीं होगा। वो बेचारा कूड़ा उठाता है और ये लोग आर्डर देते हैं कि सड़क पर कूड़ा डाल दो, और इस देश की नगर निगम निकम्मी है, बदमाश है नगर निगम, और उनके अंदर दम नहीं है कि इनका सबका चालान काट के दिखा दे, और डीएम साहब की औकात तक उसका चालान काट के दिखाए। 500 रुपए आप लोग ले लीजिएगा कि नहीं? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, वहाँ कूड़ा मत डालिएगा नेक्स्ट टाइम से। जवाब कौन देगा ये बताइए? गलत करते हैं, नहीं इतना बताइए बस। गलती से डाल दिया होगा? गलती से नहीं डाल रहे आप, फिर कह रहे गलती से नहीं कूड़ा। मैं रो रहा हूँ, वहाँ 4 दिन से मैं देख रहा हूँ, वहाँ आदमी, वहाँ मच्छी बैठती है, खाना बन रहा है, वही मच्छी उठ के वहाँ जाती है और यही लोग खाते हैं और बीमार हो जाते हैं, और सदर अस्पताल में इनको एडमिट नहीं मिलता है। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, वहाँ कूड़ा मत डालिए प्लीज। ठीक है, नहीं डाले। अगर डालते मिल गए तो जो करना होगा कर दीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। आप मत डालिए। देखिए, मेरे अधिकार में इतना मैं आवाज उठा सकता हूँ, आप अपने अधिकारों को समझिए। इस देश के आप अच्छे नागरिक हैं, सरकार ने आपको किसी चीज का जिम्मा दिया तो उसका बखूबी पालन कीजिए ना भैया। हाँ ठीक है, कर रहे हैं हम लोग। आगे से नहीं कीजिएगा? नहीं करिएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं कीजिएगा ना। आप भी देख लीजिएगा उधर जितना दुकान है, दुकान को भी रेल क्या है, दुकानों वालों की भी गलती है, आपके भी गलती है, नगर निगम की भी गलती है, लेकिन सुधार करवाइए थोड़ा जी। पर्सनल एक आदमी का गलती नहीं, मुझे पता है, पर्सनल किसी का भी गलती नहीं है, विकल्प ये नहीं है। आप लोग जाइए। हम लोग अपने तरफ से, ये नहीं है कि हम लोग अपने तरफ से सारा कूड़ा फेंकते हैं, हम लोग भी सफाई अभियान से ही जुड़े हैं, हम लोग भी किसी स्तर से, हमें पता है श्रीमान जी, लेकिन हमने इनको पकड़ा, ये हमको यहाँ लेके आए हैं, इनको समझाइए, इनको बुद्धि दीजिए। इसके लिए आपको सारे अधिकारी से भी बैठ के बात करनी होगी, जो भी यहाँ के मान्यगण हैं उनसे बात करनी होगी। मैं स्टेशन मास्टर से भी बात करूंगा, बिल्कुल। हम लोगों का कोई ये नहीं शौक है कि हम लोग जाकर सब कूड़ा वहीं डाल दें। हम लोग पर्सनल रूप से नहीं डालते। मुझे आप लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई होना होगा, सफाई से जुड़े हैं, सफाई अभियान से जुड़े हैं, लेकिन इसके लिए आपको दो चार पूर्णता रूप से हम लोग जिम्मेवार नहीं है। लेकिन ये तो हमको यही लेके आ रहे हैं ना कि यही डालने के लिए बोले। नगर निगम भी दोषी है, नगर निगम को चाहिए कि हर रोज आके अपना ये ले। रेलवे अलग है, नगर निगम अलग है, रेलवे को अपना कूड़ा अलग रखना चाहिए। हम लोग जुड़ा हुआ है, देखिए हम लोग जैसे आप कह रहे हैं कि साक्षरता अभियान चल रहा है, तो हम लोग बेवकूफ बना के रखा इस देश में, नगर निगम सफाई अभियान से ही जुड़े हैं, हम लोग भी सारा। चलिए, आप दोषी नहीं है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम भ्रष्ट है और उसी से पीड़ित है आप। इस देश में ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ मजाक होता है, कूड़ा यहाँ से उठाया जाएगा वहाँ डाल दिया जाएगा, और स्वच्छता के नाम पर बड़ा बड़ा विज्ञापन लगाया जाता है इस देश में, लेकिन आखिर देश विज्ञापन लगाने से स्वच्छ होता है मोदी जी? तो हम कहते हैं पूरा आरा, पूरा बिहार, पूरा यूपी भर दीजिए आप लोग, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा। हमें पता है कि हमको सरकारी काम के बाधा के ऊपर तुम लोग FIR भी कर सकते हो, लेकिन कर दीजिएगा, लेकिन हमारे देश का सवाल है, हम इसको स्वच्छ रखेंगे, और सबका अधिकार है, सबको अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा इस देश को, तभी यह देश स्वच्छ होगा। यहां का कूड़ा 4 दिन से देख रहा हूं, 2-2 बोरा, 4-4 बोरा हर आधे घंटे पे, इधर का कूड़ा उधर का कूड़ा उधर, मतलब रेलवे अलग, नगर निगम अलग, DM साहब का दफ्तर अलग, मजाक बना के रख दिया देश को तुम लोगों ने।